आज तक हमने आपको दुनिया भर के कई रहस्यों से अवगत करवाया है, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम उस दुनिया के रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे जिसे खुद इंसान ने बनाया है। मानवीय सभ्यता का विकास करने में कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा योगदान है, और आगे मनुष्य का जो कुछ भी विकास होगा वह कंप्यूटर की मदद से ही होगा। लेकिन कंप्यूटर की दुनिया भी अभी तक पूरी तरह से खोजी नहीं जा सकी है, इसमें भी अभी भी कुछ रहस्य बरकरार हैं। कंप्यूटर की दुनिया से जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक रहस्यों के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम उस दुनिया के बारे में जानेंगे जिस दुनिया से आप हमेशा जुड़े रहते हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसी के साथ ही इस एपिसोड को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को भी ऑल पे कर लीजिएगा। नंबर 1, इंटरनेट ब्लैक होल्स। आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा जब आपने गूगल में कुछ सर्च किया होगा लेकिन गूगल ने कोई रिजल्ट नहीं दिखाया होगा। इंटरनेट की दुनिया में इसे ब्लैक होल्स कहते हैं। ब्लैक होल्स एक ऐसी चीज़ है जो कि डाटा के ट्रांसफर होने में अड़चन पैदा करते हैं। ऐसा क्यों होता है इसका अभी तक पता नहीं चला है। कुछ लोग इसका कारण डेड आईपी एड्रेस और कंप्यूटर के फायरवर्क को मानते हैं, लेकिन कंप्यूटर विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा होना एक बहुत ही बड़ी पहेली है, क्योंकि डेटा ऐसे ही कहीं भी खो नहीं जाता है। डेटा कहीं ना कहीं तो अवश्य ही मौजूद होता है। ऐसे ही ब्लैक होल्स का मामला अमेरिका में 2013 में सामने आया था, जहां पर लोगों की जानकारी को आइसलैंड पर किसी जगह पर भेजा जा रहा था, लेकिन ऐसा कौन कर रहा था अभी तक यह एक रहस्य ही बना हुआ है। इस प्रकार इंटरनेट ब्लैक होल्स की गुत्थी को अभी तक कोई भी व्यक्ति हल नहीं कर पाया है। नंबर 2, मारियानाज वेब। प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में दुनिया की सबसे गहरी खाई है, जिसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। इसकी गहराई 11,000 मीटर है, और मेरियाना वेव्स का नाम भी इसी खाई से लिया गया है। मेरियानाज वेव इंटरनेट की ऐसी एक दुनिया है जो कि डीप वेव से भी ज़्यादा डीप मानी जाती है। इसे इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे इंटरनेट का पहला और दूसरा फेज नॉर्मल वेबसाइट के जरिए खोजा जा सकता है, तीसरा और चौथा फेज डार्क ब्राउजर का माना जाता है, जिसे खास ब्राउजर के जरिए खोजा जा सकता है जैसे टोर ब्राउजर। लेकिन पांचवें फेज को मारियानाज वेव माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज तक के जो भी बड़े से बड़े रहस्य हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ से जुड़े हों, सबके सब मारियानाज वेव में छिपे हैं, जहाँ तक पहुँच पाना संभव नहीं है, क्योंकि मारियानाज वेव तक पहुँचने के लिए क्वांटम कंप्यूटर की जरूरत होती है, जो कि आज तक बनाया ही नहीं जा सका है। वाशिंगटन पोस्ट यह कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NSA क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण कर रही है, हालांकि मारियानाज वेव को अभी तक एक कल्पना ही माना गया है। इसके साथ ही मैं अपने व्यूवर्स को यह जानकारी दे दूँ कि अगर आपको डार्क वेव के बारे में जानना है तो हमने एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो अगर आप उसे चेकआउट करना चाहते हैं तो इस एपिसोड के एंड में आपको स्क्रीन पर उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन के माध्यम से भी उस एपिसोड को चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस लिस्ट की तीसरी मिस्ट्री की, जैक फ्रॉज ईमेल्स। जैक फ्रॉज नाम के एक व्यक्ति ने अपने एक दोस्त को ईमेल भेजा, जिसमें उसने कहा था कि वह उसे देख रहा है और उसका घर काफ़ी गंदा दिख रहा है, इसलिए उसे उसकी सफाई कर लेनी चाहिए। ईमेल भेजने वाली बात तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन दिमाग चकरा देने वाली बात तो यह है कि फ्रोज का यह ईमेल उसके दोस्त को फ्रोज की मौत के 6 महीने के बाद आया था, और ऐसा ही एक ईमेल जैक फ्रोज के एक चचेरे भाई को भी मिला था, जिसमें उसने चचेरे भाई को कहा था कि मुझे आभास हो गया है कि तुम काफ़ी उधम मचाकर अपना पैर तोड़ने वाले हो। और इसमें भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि फ्रोज की यह बात सच साबित हो गई थी। जैक फ्रोज के ईमेल के बारे में जब जैक फ्रोज की माँ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जैक फ्रोज के ईमेल का पासवर्ड किसी के पास नहीं था और न ही उसका ईमेल हैक किया गया था, लेकिन इन ईमेल्स के बाद जैक फ्रोज का किसी को कोई ईमेल नहीं आया। हालांकि कुछ ऐसी वेबसाइट मौजूद हैं
जो कि आपकी मौत के बाद आपके सारे ईमेल जो कि आपने ड्राफ्ट में सेव कर रखे हैं लोगों को भेज देती है। दरअसल ये वेबसाइट 30, 45 या 52 दिनों के बाद आपकी लॉगिन हिस्ट्री को देखती है। यदि आपने इन दिनों में लॉगिन नहीं किया तो ये आपको मृत मान लेती है और आपके ड्राफ्ट में सेव्ड ईमेल को फॉरवर्ड कर देती है। लेकिन जैक फ्रॉस्ट के केस में इस तरह की वेबसाइट के इस्तेमाल होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जैक फ्रॉस्ट के ईमेल्स 180 दिनों के बाद आए थे। नंबर 4, वेब ड्राइवर टॉर्सो। यह यूट्यूब पर एक चैनल है जो कि यूट्यूब पर ऐसी वीडियो डालता है जो कि आज तक समझ में नहीं आ सकी है। हर वीडियो का समय 11 सेकंड का होता है। इस चैनल पर 2013 से वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं जो कि नीले और लाल रंग के टेंटेगुलर आकार के होते हैं और वीप की आवाज़ के साथ स्थान बदलते हैं। इस चैनल पर 1,00,000 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और 92,000 सब्सक्राइबर भी। हालांकि अब गूगल यह दावा करने लगा है कि वेब ड्राइवर टॉर्सो उनके द्वारा संचालित ही एक चैनल है जो कि यूट्यूब की क्वालिटी को चेक करने के लिए बनाया गया है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इसका आज तक किसी को पता नहीं है। नंबर 5, शिकाड़ा 3301। यह रहस्य इंटरनेट की दुनिया में बहुत खास महत्व रखता है। इसकी शुरुआत तब से मानी जाती है जब 4chan नाम वेबसाइट पर एक यूजर ने यह मैसेज डाला कि वह ऐसे बुद्धिमान लोगों को खोज रहा है जो कि इस खास पहेली को सुलझा दें। ऐसी पहेली 2012, 2013 और 2014 में आई थी। कुछ लोगों का मानना है कि यह काम CIA का है जो कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हैकरों को इकट्ठा करना चाहती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन इंटरनेट की दुनिया चाहे कितने ही रहस्यमय क्यों ना हो, लेकिन यह सच है कि इस दुनिया को बनाने में मनुष्य का ही हाथ है और इसी कारण यह उम्मीद की जा सकती है कि एक न एक दिन मनुष्य इसके सारे राज खोल ही देगा। तो अगर आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया तो इसको एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। और अगर आपका भी कोई डिमांडिंग टॉपिक है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, तो हम उस पर एक फुल डेडिकेटेड वीडियोस जरूर बनाएंगे। इसके साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि जब भी कोई ऐसी रहस्य भरी वीडियोस अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।